और आराधना का समय ऐसा था कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू करे हमारी सेवकाई करना शुरू कर दे आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर हिज वर्ड और मैं परमेश्वर की ओर धन्यवादित हूं कि मुझे मौका मिला कि मैं उनका वचन बांट रहा हूं थैंक यू फ्रैंको फॉर दोस लवली वर्ड्स और फ्रैंको बहुत-बहुत शुक्रिया उन उत्तम शब्दों के लिए यस वी एज अ फैमिली टू वर सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू वर्शिप हम भी हमारा परिवार भी एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां हम आराधना कर सकते हैं Life, और परमेश्वर हमें ट्री ऑफ लाइफ कलीसिया में लेकर आया जो अब वन नेशन चर्च कहलाती है nice so I, I Giselle, और हमारा जो सफर है बहुत ही खूबसूरत रहा है हम हमारा पूरा परिवार का मेरा जिसेल का और कियारा का गॉड हैज बीन फेथफुल परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है एंड आई बिलीव गॉडस गॉट अ लॉट मोर टू डू और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पास और बहुत कुछ रखा है करने के लिए सर आई लाइक टू थैंक द वर्शिप टीम वर्शिप आई लाइक टू थैंक

And before we do that, I would request you all to close your eyes. Let's pray and ask God to open our minds, open our hearts, so that we would receive. Father God, we come to you in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. And we ask you to speak to each one of us through your word, O Father lord that we would you would help us not only to listen but to to understand to receive and let it become a part of our lives of oh, Father. let it change our minds let it change our hearts and let it remain and, and form a substance the substance of christ in our lives lord we ask you lord that as you said in your word that you would help us to grow into the purposes you have for our lives we ask you that this would happen from this time forth in jesus name

और इतना आनंद से भर गया कि वह दौड़ा और नथानियल अपने दोस्त से जाकर उसने बात की नथानियल हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हिम और नथानियल के पास उसके लिए बहुत सारे प्रश्न थे बिकॉज़ नथानियल वांटेड टू कंफर्म दैट दिस वाज द मसीहा क्योंकि नथानियल ये पक्का करना चाहता था कि यही मसीहा है एंड फिलिप हैड ओनली वन थिंग टू से और फिलिप के पास एक ही शब्द थे कहने के लिए कम उसने कहा आओ और देखो स्टीव चैलेंज दिस वर्ड और स्टीव ने इस वचन के द्वारा हमें चुनौती दी पॉइंट्स और पांच महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई और और मैं ये जो मुद्दे हैं आपके साथ कृपया सप्ताह के दौरान आप उन पर मनन करना और देखना कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है और कलीसिया के रूप में क्या हम एक अविश्वासी से यह कहते हैं see. God in your lives. के आओ और देखो डू वी फील क्या हम महसूस करते हैं डू वी शेयर क्या हम बांटते हैं Do all of us portray a family together? क्या हम साथ में एक परिवार की तस्वीर दर्शाते हैं? That is knit together by Christ. ऐसा परिवार जो यीशु मसीह के द्वारा गूंदा गया है. Or do we judge people? या हम लोगों पर न्याय करते हैं? Are we forgiving to one another? क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं है? ये दूसरी बात थी जो उन्होंने कहा Not only at home, but also in church. केवल घर पर ही नहीं लेकिन कलीसिया में भी Do we display it in our language? क्या हमारी भाषा में हम वह प्रदर्शित करते हैं

क्या वो केवल रविवार के दिनों में होता है या रविवार और बाकी सप्ताह के सभी दिनों में आवर वी ट्रांसफॉर्मिंग आवर कम्युनिटी क्या हम हमारे समाज को बदल रहे हैं परिवर्तित कर रहे हैं आवर वी एंपावरिंग ईच वन्स गिफ्ट क्या हम सभी के वरदानों को सशक्त बना रहे हैं आवर वी एनेबलिंग देम टू यूज इट एट होम इन एनवायरमेंट क्या हम उन्हें मदद कर रहे हैं कि उसे घर पर और आस पड़ोस में इस्तेमाल किया जाए The fourth point he spoke about was a community of faith. और चौथी बात जो उन्होंने की थी वो ये थी विश्वास का समुदाय The Bible is very clear. It says, if you want to please God, you cannot please Him without faith. और शास्त्र स्पष्ट रूप में कहता है कि यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विश्वास के बगैर नहीं कर सकते हैं Prayer, our generosity, हमारी उदारता जो लक्ष्य हम बनाते हैं जिसके लिए हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं these result in faith और उसका परिणाम ये होता है कि विश्वास बढ़ता है faith being seen

क्या हम वो पात्र है या बर्तन है जो जाकर संसार को बता सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं उन्हें कह सकते हैं कि आओ और और देखो आज के वचन से जो बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में की and God reminded

Was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Having canceled the change of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by the unspiritual mind. They have lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These rules, which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self imposed worship. खतना, खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतीसमा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिठा डाला और उसको क्रूस पर किलो से जड़ सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तो के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ी और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है वचन बीस जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं को आज्ञाओं और शिक्षानुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना उसे न चकना और उसे हाथ न लगाना क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता इन दिस पैसेज पॉल एक्चुअली कीप्स टेलिंग अस टू कीप आवर फोकस ऑन जीसस और इस अध्याय में दरअसल पावल लगातार हमसे कह रहा है कि हम हमारा ध्यान यीशु पर केंद्रित करें। we क्योंकि हमारा विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है देखी बातों के द्वारा नहीं है थ्रू दीटेड वर्क ऑन और जो यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कार्य पूरा हुआ है उसके द्वारा

और हम सब का यहूदी परिवार में जन्म नहीं हुआ We do not undergo physical circumcision. और शारीरिक रूप में हमारा खतना नहीं होता है वो उनसे कहता है तुम्हारा शारीरिक रूप से तो खतना नहीं हुआ लेकिन यीशु मसीह में क्रूस के द्वारा तुम्हारा खतना हुआ है

और हमें गोद लिया गया टूडे वी आर सन्स एंड लेकिन आज हम बेटे और बेटिया हैं और परमेश्वर की संतान हैं उनके परिवार से उनकी वंशावली से जुड़े हैं। थ्रू एंड मी क्रूज के द्वारा जहां पर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मर गए और पाप का पश्चाताप इट लेडस्टेंट और उसी के द्वारा हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है Lord Jesus Lord and और यीशु मसीह हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है वॉटर एंड स्पिर और आत्मा में और पानी का बपतिस्मा हमने लिया ट्रू फेथ

वो उद्धार जो पूर्ण हुआ है हमारे जीवन के लिए उसके बारे में बात करता है पर यीशु हमारे सारे पापों को धो देता है नियम के द्वारा कीमत चुकाकर थ्रू हिज ब्लड उसके लहू के द्वारा सो देट वी आर नॉट कंडेम ताकर हम पर ताकि हम पर दोष न लगाया जाए हम दंडीय दंडनीय ना हो जाए I think most of us know Romans 8 1, which says that there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. And that is because of your salvation. Because of Jesus washing away your sin. And not only washing your sin, but also paying the legal cost of your sin. और केवल आपके पापों को धोया नहीं है लेकिन जो नियम के अनुसार कीमत लगती है आपके पापों के लिए वो भी चुकाई है इन वर्स 14 एक्चुअली ही क्लियरली रिमूव्स द एक्यूसेशन ऑफ sin रिटन अगेंस्ट यू और वो दरअसल आपके विरोध में आप पे जो दोष है आपके पाप पाप के खिलाफ वो दोष पूरी तरह से हटा दिया है यीशु ने। जीसस हैज वन द विक्ट्री ओवर sin एंड डेथ और यीशु ने पाप पर और मृत्यु पर विजयता हासिल कर ली है सो पॉल यर जस्ट एज ही इज एनकरेजिंग एंड अर्जिंग द कोलोसियंस और पौलुस यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहा है कुलुसियों को टुडे ही इज अर्जिंग अस थ्रू द सेम वर्ड और आज आज उसी वचन के द्वारा वह हमें भी प्रोत्साहन दे रहा है ही सेज डू नॉट जज एनीवन रिगार्डिंग वो कहता है किसी भी बात को लेकर किसी पर भी न्याय मत करना

Bible Our thoughts still abide in the law। और हमारे विचार अभी भी परमेश्वर में uh, को समर्पित होने चाहिए Paul urges us to free ourselves. और पाउलो हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि हम अपने आप को आजाद कर दे फ्रॉम ऑल दैट वी have टाइम वी केम इन टू दिस वर्ल्ड और ज, जो बातें हमने जब से हम संसार में आए है तब से जो बातें हमने सीखी है उन बातों से हम आजाद हो जाए no चाहे आप जिस भी परिवार से आए हैं दिस इज प्लेस योर फोकस ऑन जीजस वो कहता है की आपके लक्ष्य को ये शु पर केंद्रित कीजिए प्लेस योर फोकस ऑन द कम्प्लीटेड वर्क ऑफ द क्रॉस और क्रूस पर जो कार्य पूरा हुआ है उसके ऊपर आपका ध्यान दीजिए place your focus on God's word through the Holy Spirit. और परमेश्वर के वचन पर पवित्र आत्मा के द्वारा ध्यान दीजिए. This is the new way that he's talking about. और ये वो नया तरीका है जिसके बारे में वो बात कर रहा है. This is the law which Jesus is setting in our lives. और यही वह नियम है जो यीशु हमारे जीवन में डाल रहा है. Where he has taken

ऐसा करके कि वह जो बड़ा भार है या बड़ा भाग है वो अपने ऊपर ले रहा है। यह you वर्सेस, know, I will move a little ahead by verses 18 to 23। और मैं थोड़ा आगे जाऊंगा वचन 18 से 23। In that Paul actually is reminding us that we died with Christ। वहाँ पर दरअसल पावलस हमें याद दिला रहा है कि हम मसीह के साथ मर गए हैं। We died to the law of sin and death। और जो पाप का और मृत्यु का नियम है उसमें हम मर चुके हैं एंड एंड वी आर इन थ्रू द रेजोरेक्शन पावर और पुनरुद्धार के सामर्थ्य में और सामर्थ के द्वारा हम, हम उठाए गए हैं सेम रेजोरेक्शन पावर दट इज टूडे और वही पुनरुद्धार का सामर्थ जो आज भी मौजूद है थ्रू द होली पवित्र आत्मा के द्वारा टू हेल्प हमें मदद करे कि हम परमेश्वर के मकसदों को पूरा करें फॉर क्योंकि सभी के जीवन के लिए उसके पास एक मकसद है you know, 1 7, verse 17 says this. एक कोरिंथियों की किताब अध्याय सात वचन सत्रह यह कहता है लेस Each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned, him, assigned to them, just as God has called them. This is the rule I lay down in all the churches. But जैसा प्रभु ने हर एक को बाटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वह चले और मैं सब कलिसियों में ऐसा ही Each one of you is unique. आप में से हर एक खास है.

Through the increase that God has for you. As from I think I received Jesus when I was around 13 years. I received Jesus when I was around 13 years. And from that day to today, when I look back in my life. और उस दिन से लेकर अब तक जब मैं मेरे जीवन में देखता हूँ आई लुक एट हाउ मच गॉड हैज चेंज माई थॉट प्रोसेस तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे विचार धारणा किस प्रकार से बदल दी हाउ मच ऑफ आर बॉडी हैज सो मच टू डू विद द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ और हमारे शरीर के पास इतना कुछ है करने के लिए पाप के और मृत्यु के नियमों के साथ चरित्र के बारे में बात करना हाउ इजी इट इज फॉर एस टू जज एन और कितना आसान होता है हम किसी का न्याय बहुत जल्दी कर लेते हैं हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लुक एट द्रू द लाभ ऑफ क्राइस्ट लेकिन कठिन है यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा उनकी ओर देखना

और दो आज्ञाएं हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा said, Lord, God, उसे कहा अपने परमेश्वर से अपने पूरे से प्रेम कर और उसे कहा कि अपने रख इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट और ये यीशु का नियम है you know, 18, 1, और लूक लूका के 18वें अध्याय वचन एक में

As we apply this to our lives, जैसे इसे हम हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर हमें मदद करेगा उन आज्ञाओं को पूरा करने में जो यशु ने हमें दी है so सोलह से बीस इतनी खास छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों के बारे में वहाँ लिखा है Each in each state, each place has its own culture। और हर एक राज्य का हर एक प्रांत की अपनी संस्कृति होती है We have been up as to based on their location। और जहाँ लोग रहते हैं उन उनको लोगों को उस तरह से पहचानना है इस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ है और बस हमारा मन इन बातों से भरा हुआ है कि हम कैसे किसी और किसी और की और देखते हैं पाउल यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि तुम्हारे पुरस्कार को कोई चुराना ना ले

वो नहीं जानते कि सिर कौन है। लेकिन भाई और बहनों आप और मैं जानते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य या सिर यीशु मसीह है। we all are parts the body. और हम सभी देह के अंग है एंड वी comes नो our instructions come कम फ्रॉम head. और हम ये जानते हैं कि हमारा पोषण और हमारा मार्गदर्शन जो है वो उस सिर से आता है या वो उस मुख्य से आता है एवरी पार्ट इज ज्वाइंट बिकॉज देर आर इंस्ट्रक्शन फंक्शन और हर एक अंग जो है वो जोड़ा गया है क्योंकि वो सलाह या वो मार्गदर्शन दिया जाता है कि उसे कैसे चलना है Verse 20 is very clear. It says, "If you died with Christ, और वचन 20 में स्पष्ट लिखा है कि यदि तुम मसीह के साथ मर गए हो फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल वर्ल्ड तो संसार के जो मुख्य सिद्धांत है Why, as in the world, do you to तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार वाई डू वी लुक एट आर सेल्व एंड कंपेयर आर

उन्होंने क्यों प्रार्थना में समय समय बिताया? और थोड़ा बाइबल बताती है जब वह शिष्य के साथ नहीं थे वह समय उन्होंने प्रार्थना में बिताई him टू बी re-energized. ताकि वह शक्ति पा सके the time for him where he could then से लव योर एनिमीज और ताकि वह समय वह यह शक्ति पा सके और कह सके कि मुझे हम हमें हमारे शत्रुओं से भी हमें प्रेम करना है। I'll give you a few scriptures as references. और रेफरेंस reference के लिए मैं कुछ वचन आपके साथ बांटूंगा There's John 15 verse 4. यहाँ का पंद्रहा वचन चार। Ephesians 1 verse 3. इफिशियो की किताब पहला अध्याय वचन तीन। Galatians 6 verse 2. गलेतियों का छठा अध्याय वचन दो। And there there are many, many... scriptures in in the bible और कई कई वचन है जो बाइबल में लिखे हैं which are there specifically to build you up और वो खास करके इसलिए है वो वचन ताकि आप को बढ़ाया जाए but what it reminded me was even as we are stepping into this new era लेकिन मुझे इस बात की याद आई कि जैसे हम इस नए युग में प्रवेश कर रहे हैं we never lose not only our focus तो हम केवल अपने लक्ष्य को नहीं खोते बट वी ऑल्सो रिमेम्बर वॉट इज डेड ऑन द द्रॉस लेकिन हम वो भी याद करते हैं जो कार्य यीशु ने क्रूस पर किया है थ्रू विच वी हैव बीन गिफ्टेड उसके द्वारा आज हमने वरदान पाया है एंड वी हैव ओनली वन पर्पस लेफ्ट और हमारे पास केवल एक मकसद रह गया है हाउ वेल आर यू यूजिंग योर गिफ्टिंग कि आपके वरदान को आप कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योल मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ आस्किंग योल इफ यू डू नो योर गिफ्ट आपसे पूछ रहा हूँ यदि आपको पता है कि आपका क्या वरदान है और आपको मदद चाहिए कि उस वरदान को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कम आउट तो आइए स्पीक टू वन एंड एक दूसरे से बात कीजिए वी आर ये टू बिल्ड हम यहाँ है बनाने के लिए वी बिल्ड एज अ फैमिली हम एक परिवार के रूप में बनाते हैं जीजस Died and saved us for a purpose. और हमें उद्धार दिया एक मकसद के लिए he gave us gifts और व्यक्तिगत रूप में उसने हमें वरदान दिए a greater plan। क्योंकि उसके पास बड़ी योजना है and that plan is knitting each one into the family। और वह योजना सभी को उस परिवार में जोड़ रहा है

और यीशु को आओ और देखो केवल मेरे जीवन के द्वारा नहीं लेकिन उस जगह पर जिसे मैं मेरा परिवार कहता हूँ नॉट इन जो मैंने सीखा था नॉट इन या मेरे अनुभव पर निर्धारित नहीं नॉट इन टर्म्स ऑफ मी बींग सो मेनीय इन क्राइस्ट उस पर भी निर्धारित नहीं कि मैं इतने वर्षों से मसीह में हूँ बट ऑन दीजस

आपको प्रोत्साहित करूंगा केवल मानसिक रूप से आपका लक्ष्य न रखे इवन स्पिरिचुअली लेकिन आत्मिक रूप से भी रखे ऑन जीसस यीशु मसीह पर द होली स्पिरिट एंड इज वर्ड पवित्र आत्मा पर और उसके वचन पर बिकॉज गॉड वॉन्ट अस टू बी वर्शिपर्स इन स्पिरिट एंड ट्रुथ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाले बन जाएं। Each one of us has had a unique

Keep Jesus's commandments के हम यीशु की आज्ञाओं को माने यीशु मसीह के इस नियम के पीछे ना कि उस नियम के अनुसार जो हमने सीखा था और जिस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ it था टच डू नॉट टेस्ट डू नॉट हैंडल जहां पर कहा जाता है कि छूना नहीं चखना नहीं और हाथ मत लगाना क्योंकि वो सारी चीजों का नाश हो जाएगा ओनली रिमेन और एक ही बात रहेगी वो है आप स्वयं और मसीह। यशु मसीड एवर गेट इन टू यू और पाउलूस यह प्रोत्साहन करता है कि आपके अंदर कभी भी घमंड को प्रवेश न करने दे let there be no false humility. या विनम्रता आपके अंदर ना आए

चांदी का पात्र बनेंगे थ्रू विच द होलीफ्लो जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बहेगी और उमड़ उमड़ के बहेगी राइट थ्रू द लाइटनिंग और उस चमचमाहट के द्वारा राइट थ्रू दंडरिंग और गर्जनाहट के द्वारा एंड इट विल ओवरफ्लो आ सिटी और वो हमारे शहर में बह जाएगी अशन

look at today as the day when you're starting a fresh walk with jesus और आज के दिन को ऐसे देखिए जैसे आप एक नई नया दिन की शुरुआत कर रहे हैं यीशु के साथ increase the number of rewards kept for you in heaven और जो स्वर्ग में आपके लिए पुरस्कार रखे गए हैं उसे बढ़ने दीजिए optimize the gifting god has for you और जो वरदान परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं उसे इस्तेमाल कीजिए

हमारी से समझने में हम हार हार गए प्रभु एंड लॉर्ड वी वी कम टू यू एंड आस्क यू और प्रभु हम आपके पास आते हैं और पूछते हैं टू टीच अस कि हमें सिखाइए दिस लॉ ऑफ क्राइस्ट यीशु का ये जो कायदा है या नियम है वो हमें सिखाइए ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर विद यू जहाँ पर हमें आपके साथ प्रार्थना में समय बिताना है as we walk every of our lives, जैसे प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षण में हम चलते हैं वी वु एबल टू ओबे एंड की हम आगे मान सकेंगे प्रभु आप, आपने जो कहा है एंड योर लव ओवर फ्लो थ्रू इन through our lives और हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा आपका प्रेम ऊंडेला जाएगा and it will impact each and every living person in this place और इस स्थान में प्रभु हर एक जीवित व्यक्ति के ऊपर उसका असर होगा हमारे आस-पड़ोस में country, हमारे शहर में हमारे राष्ट्र में और आओ, सभी राष्ट्रों में प्रभु लॉर्ड इट वुड बी द फैमिली दैट जीसस थॉट हिज डिसिपल्स टू बी और प्रभु वैसे परिवार होगा जैसे यीशु ने उनके छह लोगों को सिखाया सो दैट एट एनी पॉइंट लॉर्ड वी कुड से कम एंड सी ताकि किसी भी क्षण में हम कह सकेंगे प्रभु के आओ और देखो वी प्रभु हम चुक गए हैं हमने आपको हरा दिया प्रभु हम क्षमा चाहते है और कहते प्रभु आपके पवित्र आत्मा ऐसी आप हमें भर दो And through your word, और आपके वचन के द्वारा स्ट्रेंद हमें सामर्थ दो प्रभु

Thank you, Thomas. Shukriya, Thomas. I like the way he said, let